नमस्कार दोस्तों, आपका जी गुरु जी चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से लोग परेशान है, अमेजोन जिस तरीके से डीएक्टिवेट करता जा रहा है सबका अकाउंट, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों में ये इस पर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, सबका लोग परेशान है, कमेंट पे कमेंट होता चला जा रहा है। तो मैं आज उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से कमेंट आ रहे हैं और क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमेंट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल कि सर मेरा कोई अकाउंट था वो डीएक्टिवेट हो गया, और जैसे ही वो अकाउंट बनाया वैसे ही डीएक्टिवेट हो गया। तो उस बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मैंने जैसे ही अकाउंट बनाया और जैसे सेटअप किया वैसे ही अमेजोन ने बिना देखे और उसको डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद उसने कुछ कागज मांगे, जैसे जीएसटी कागज, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने एड्रेस प्रूफ मांगे। उस जो भी था बंदा उसने सारे दिए, उसके बाद भी उसका अकाउंट नहीं खुला। तो मैंने एक बार ट्राई किया कि चलिए मैं करता हूँ कि क्या कमेंट आ रहे हैं। तो देख सकते हैं ये कमेंट पे मैं जाऊँगा, कमेंट सेक्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आ रहे हैं। कमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट कि उसने तुरंत बनाया अमेजोन अकाउंट में, तुरंत डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि इस समय फेस्टिवल चल रहा है और इस समय आप देख सकते हैं कोई भी जो रहेगा अमेजोन जल्दी खोल नहीं रहा है अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन आया है, वो कमेंट में आपको दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे इसने कमेंट किया, आई मेक अमेजोन सेलर अकाउंट बट माई अकाउंट हैज डीएक्टिवेट, आई सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स बट इज नॉट वर्क, व्हाट आई डू नेक्स्ट, मैं क्या करूँ, आगे मैं क्या करूँ, मैं भाई इसको क्या रिप्लाई दूँ। तो उससे पहले मैंने भी ट्राई किया कि लाइए मैं अमेजोन अकाउंट एक सेलर अकाउंट बनाता हूँ, उसके बाद देखिए ऐसी प्रॉब्लम आती है कि नहीं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई थी कि आप अमेजोन अकाउंट बनाते ही तुरंत डीएक्टिवेट हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने भी एक अकाउंट बनाया है और मेरा भी अकाउंट अमेजोन सेलर लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया है, वहाँ पे मैं जाऊँगा आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने अकाउंट बनाया और जस्ट ही मुझे ये मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा चीज दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही अकाउंट बनाया है वैसे ही डीएक्टिवेट हो गया, वैसे ही सस्पेंड हो गया। यहाँ पे देखिए कस्टमर का फीडबैक 0 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट प्लेस 1 है, अलर्ट योर अकाउंट हैड बीन डीएक्टिवेट, प्लीज चेक द डीएक्टिवेट योर अकाउंट बिलो द रिज्यूम सेलिंग, आप फिर से सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एड्रेस रिटर्न का भी नहीं डाला है और मैं इनसे क्या करूँ। देखिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इन्वेंट्री आपको दिखाता हूँ, कोई इन्वेंट्री नहीं है मेरी, देख सकते हैं जियो इन्वेंट्री है। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस भी मैं दिखाता हूँ, देखिए अभी मैं इसको पहली बार खोला हूँ तो ये देखिए बार बार पूछ रहा है नो, इसको मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप परफॉर्मेंस भी मैं देखता हूँ, अकाउंट हेल्थ मेरा कैसा है, जब मैं अकाउंट हेल्थ देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 0000 नेल नेल 0000 सब कुछ 0 है, सब कुछ बढ़िया है। आप देखिए यहाँ पे सब कुछ 0 है, पेमेंट पॉलिसी भी सब कुछ 0, सब कुछ 0 नेगेटिव है, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है और मेरा जो अकाउंट हेल्थ है गुड है, ग्रीन है। यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, आखिर अमेजोन ऐसा क्यों कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा सेलर हो गए होंगे या तो बहुत ज़्यादा ये हो गया होगा, बहुत ज़्यादा फर्जी भरा होता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव द रिव्यू डॉक्यूमेंट्स विद द रिसेंटली प्रोवाइड बट टू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट योर सेलर अकाउंट एट दिस टाइम। आप देख सकते हैं इसमें सेलर अकाउंट, इसने कहा है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है क्योंकि इसमें जो आपने सबमिट किया, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आधार कार्ड सबमिट किया है, बैंक का डिटेल सबमिट किया है, पैन कार्ड सबमिट किया है, जीएसटी भी सबमिट किया है। इतना करने के बाद देखिए 11 नवंबर को मैंने किया था, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार नहीं मैंने दो बार किया, और इसमें मांग क्या रहा है, प्रीफेयर नोटिफिकेशन में परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखता हूँ कि आखिर इसमें मांग क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं नो डियर यू हैव डॉक्यूमेंट्स यू रिसेंटली प्रोवाइड बट डू नॉट द इनफ इंफॉर्मेशन टू रीएक्टिवेट योर सेलर अकाउंट एट दिस टाइम। इसने साफ कह दिया कि आपके अकाउंट जो आप दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वो सही नहीं है। मैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स दूं भाई, आप खुद बताइए, इसमें ही मुझे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, क्या मांग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो यू हैव द रिव्यू द अमेजोन सेलर अकाउंट ड्यूरिंग द रिव्यू यू विल नॉट एबल टू सेल ऑन द अमेजोन, कि क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन क्या आ रहा है, आखिर कौन सी हो गया है कि सेलर प्रोटेक्शन, बैंक इंफॉर्मेशन सेट विद द सेलर अकाउंट हैड बीन चेंज ट्रांसफर सबमिशन, भाई मैंने ये बैंक अकाउंट भी दे दिया है, ये एक प्रकार से टॉर्चर करा जा रहा है।
आप उस सेलिंग के लिए डायरेक्ट नहीं मना करके इनडायरेक्ट मना किया जा रहा है कि आप नए सेलर नहीं आ सकते। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, जैसे आप बना रहे हो अकाउंट एक्टिवेट हो जा रहा है और आप बार बार अपील भी कर रहे हैं फिर भी आपका अपील स्वीकार नहीं किया जा रहा है और बार बार ये मुझे मांगा जा रहा है। तो इसमें आपको मांगा किया जा रहा है, इसमें आपको मांगा जा रहा है GST, आधार नंबर, बैंक, ये सब मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एडिशन सबमिट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद क्रिएट द रिएक्टिव प्लान, एक्शन प्लान आपको करना होगा। ठीक है, हाईलाइट सप्लाईमेंट डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूड द सपोर्टिंग, प्रोवाइड द, ये सब आपको करना होगा। मगर जितना करेगा एक दो घंटा लगेगा, समय देगा, फिर उसके बाद वही मैसेज आ जाएगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका सही नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे 10 नवंबर को इसने तुरंत एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड नेशनल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना होगा तब ये पहला, ये एड्रेस प्रूफ में लिस्टेड टेलीफोन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मैंने दिया, GST सर्टिफिकेट जब सेलिंग जो आप करते हैं, एंड पैन कार्ड भी देना है, GST सर्टिफिकेट भी देना है। आप इसमें वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या आप पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ये सब देने के बाद उसके बाद आपको लिस्टेड टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल, बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, GST नंबर देना होगा इफ सेलिंग केस पर। इसका मतलब आपको आधार कार्ड इसमें नहीं देना है। तो मेरी गलती हो रही थी कि मैं आधार कार्ड इसमें दे रहा था, सॉरी। तो आपको वोटर आईडी देना है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट देना है। ये सब देने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बिल या बैंक अकाउंट नंबर देना है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है। ठीक है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देने के बाद आपको GST सर्टिफिकेट और पैन कार्ड देना है। ये सब देने के बाद आपको अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है। तो मैं इसको अभी ये सब दूंगा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मैं देखूंगा कि हमारा अकाउंट एक्टिवेट होता है कि डीएक्टिवेट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो ये कमेंट आया है, मैं देख के हैरान हो गया था कि सच में ऐसा हो रहा है, अमेजॉन तुरंत डीएक्टिवेट कर दे रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा था, मगर मैंने खुद इसको आजमाया और देखा कि सच में ये ऐसा कर रहा है। 5 दिन पहले इसको बनाया, तो मैं आज आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जा रहा है तुरंत क्रिएट करने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।